दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी मुझे स्वागरात पर आपके भैया से डर लगता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। किसी अजनबी ने पहली बार हाथ पकड़ा था, अंदर तक सिहर गई थी रश्मि। उस पकड़ का एहसास बेगाना सा था, या शायद रश्मि इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने एकदम से अपना हाथ छुड़ा लिया। नैतिक को रश्मि का ये व्यवहार समझ नहीं आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद नैतिक बोला, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? रश्मि ने ना में सिर हिलाया और दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बैठ गई। आज नैतिक और रश्मि की शादी हुई थी। रश्मि विदा होकर नैतिक के साथ अपनी ससुराल जा रही थी। दोनों कार में पीछे अकेले बैठे थे। आगे की सीट पर नैतिक की बहन बहनोई थे। जीजा जी बीस बीस में नैतिक को छोड़ रहे थे। रश्मि भी शर्म से अपने में सिमटी जा रही थी। तभी नैतिक ने उसको उस छेड़छाड़ से सहारा देने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। वैसे भी जब नई नई शादी हो तो दूल्हे का मन करता ही है कि वो अपनी दुल्हन का हाथ थाम कर पूरा सफर तह करे। दरअसल इन दोनों की शादी सट मंगनी पट ब्याह वाली थी। मतलब एक हफ्ते पहले ही तो रिश्ता तह किया गया था। अचानक नैतिक की दादी की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से एक हफ्ते में ही फेरे हो गए। एक तो रश्मि की उम्र भी कुछ नहीं थी, उस पर दोनों मैं एक दूसरे को अभी जाना भी ना था। 5 मिनट की मुलाकात भी कुछ होती है भला। इसलिए रश्मि अभी इस सब के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। रास्ता लंबा था, थोड़ी देर में ही थकान के कारण रश्मि को नींद आ गई और वह नैतिक के कंधे पर सिर टिका कर सो गई। नैतिक को बड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने उसे सेड़ा नहीं। घर पहुँच कर जब रश्मि की आंख खुली तो खुद को नैतिक के कंधे पर देख कर हड़बड़ा उठी। तो नैतिक मुस्कुराने लगा। सारी रस्मों के बाद रश्मि को कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। अभी रश्मि कमरे में सांस भी ना ले पाई थी कि दरवाजे पर
आहट हुई, वह सौंक कर बैठ गई। दरवाजा खुला तो उसकी ननद पूर्वी थी। ननद को देख कर उसकी जान में जान आई। थोड़ी इधर उधर की बात के बाद रश्मि बोली, दीदी आज आप मेरे पास रुक जाइए, मुझे डर लग रहा है। पूर्वी हंसी, किस से डर लग रहा है भाभी? भैया से। अरे भैया तो आपके रक्षक हैं, वो आपको कुछ कहेंगे थोड़ी ही ना, वो तो बस आपके साथ। पूर्वी ने जानबूझकर बात बीच में ही छोड़ दी। पूर्वी की बात से रश्मि शर्म से पानी पानी हो रही थी। पूर्वी फिर बोली, ना भाभी हम कबाब में हड्डी नहीं बन सकते। वैसे भी आपके ननदोई मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं तो यहाँ भैया से अपना नेग लेने आई थी। मैं आपका एक फेवर ले सकती हूँ, भैया से कहूँगी कि आपको ज्यादा परेशान ना करे। पूर्वी हंसी। रश्मि का तो शर्म से बुरा हाल हो रहा था। तभी दरवाजा खुला और नैतिक अंदर आने लगा तो पूर्वी ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया और अपना नेग लेकर ही दरवाजा छोड़ा। नैतिक की तो बेसनी देखते ही बन रही थी। वह तो अपनी प्यारी सी रश्मि को अपना दिल दे बैठा था। उससे बात करने के लिए एक मिनट भी उसे भारी लग रहा था। पूर्वी की हंसी छूट गई, बोली, भाई भाभी को ज्यादा परेशान मत करना वरना कान किसूंगी। फिर रश्मि से बोली, भाभी मैंने भाई को समझा दिया है, अब डर की कोई बात नहीं है। अगर भाई ज्यादा परेशान करे तो मुझे आवाज लगा लेना। कहकर पूर्वी वहां से भाग गई। नैतिक ने अंदर आकर दरवाजे की कुंडी लगाई और बोला, ये पगली बीना ना जाने क्या क्या कहती रहती हैं, आप आराम से रहो यहाँ पर। रश्मि फिर डर और शर्म से अपने आप में सिमटती जा रही थी। नैतिक उसके पास आया और उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। रश्मि ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। नैतिक ने पूछा, क्या हुआ, हमें अजनबियों से डर लगता है। रश्मि ने मासूमियत से कहा तो नैतिक हंस पड़ा, अब हम अजनबी थोड़े ही ना हैं, अब तो हमारे बंधन एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया, मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं थी। अब नैतिक रश्मि की परेशानी समझ गया, बोला, पहले हम दोनों दोस्त बनेंगे, उसके बाद ही कोई और रिश्ता हमारे बीच बनेगा। क्या तुम इस अजनबी को अपना दोस्त बनाओगी? कहकर नैतिक ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रश्मि ने पहली बार नैतिक की मासूम आंखों में झांक कर देखा। वहां उसे अजनबी की जगह एक दोस्त नजर आया। उसने नैतिक के हाथ पर अपना
हाथ रख दिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह समझने में निकाली। अगले दिन सुबह जब रश्मि तैयार होकर नीचे आई तो उसका सेहरा दमक रहा था। पूर्वी उसे देखकर हंसते हुए बोली, लगता है भाभी का सारा डर सुमंत्र हो गया। रश्मि ने शर्म से सिर झुका लिया। तभी नैतिक बोला, जहां तुम जैसी शैतान बहने हो तो भूत भी अपना रास्ता बदल देता है, फिर रश्मि का डर क्या सीज है। पूर्वी रोने का नाटक करते हुए माँ से बोली, देखो ना माँ, भाई मुझे शैतान कह रहा है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। रश्मि ने नैतिक की तरफ देखा तो उसने आंख से इशारा किया। आज रश्मि को नैतिक बिल्कुल भी अजनबी नहीं लग रहा था। वो अजनबी उसके लिए सबसे खास बन गया था।